ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 10 नवंबर 2020, ट्यूसडे है, सुबह के 8:30 हो रहे। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। हफ्ते के पहले ही दिन हमने देखा जबरदस्त निफ्टी में गैप अप ओपनिंग, और उसके बाद कंटिन्यू दिन भर कंटिन्यू तेजी देखने को मिली और निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई कल बनाया। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये हमारा कल ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,318, और सेकेंड टारगेट और फर्स्ट टारगेट के ऊपर निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ। तो जो हमने मार्केट ओपन होने से पहले प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग तो कल पूरे दिन भर में कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ, फिर एक साइडवेज पैटर्न में चला गया, और उसके बाद लास्ट आवर्स में भी जबरदस्त निफ्टी ने तेजी दिखाई। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। ये था कल के एनालिसिस का रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। उससे पहले एक न्यूज आई थी कल, जो यूएस की कंपनी है फिजर, उसने जो थर्ड स्टेज का टेस्टिंग का रिपोर्ट है उसमें बताया कि COVID-19 का वैक्सीन जो है वो 90% इफेक्टिव काम कर रहा है। उसके बाद अमेरिकी बाजारों में भी देखे तो ये डाउ फ्यूचर का चार्ट है, ये डाउ फ्यूचर का चार्ट है, और ये कल का कैंडल है। ये आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, 9/11 यानी 9 नवंबर। तो यहाँ पर ये जबरदस्त तेजी, ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स की तेजी डाउ फ्यूचर में देखने को मिली थी, और अभी डाउ फ्यूचर 73 पॉइंट की गिरावट के साथ यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 1500 की पॉइंट के बढ़त के बाद एक करेक्शन आना भी लाजमी होता है। तो यूएस मार्केट में कल जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी हफ्ते के पहले दिन। नासडेक भी अभी 181 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो सभी इस समय कल हरे निशान में बंद हुए थे, जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। एशियाई बाजार आज देखे तो एसजीएक्स निफ्टी फिर से 136 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स भी 268 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा है। तो ओवरऑल अभी फिलहाल ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। वीकली चार्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, इसका अभी 61.8% का लेवल 12,636 के पास आ रहा है। कल निफ्टी ने रिकॉर्ड क्लोज, यहाँ पर रिकॉर्ड मतलब ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई बनाया इसने। तो यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स यहाँ से 12,636 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा एज पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल, क्योंकि हमने देखा 38.2% को भी इसने रिस्पेक्ट किया, फिर 50% के पास लास्ट वीक इसने हाई एग्जैक्ट ऑलमोस्ट उसी के पास लगाया, और अभी ये यहाँ पर 50% के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन RSI को देखें, वीकली चार्ट का RSI भी 70 लेवल के पास जाने के लिए 5 पॉइंट से दूर है। तो यहाँ पर भी अगर ऊपर की तरफ जाता है तो कॉशियस रहना होगा, एक करेक्शन यहाँ पर से भी देखने को मिल सकता है। 70% के पास जैसे पहुँचता है तो हमें ऊपर प्राइस एक्शन में एक फॉल आते हुए दिखाई देता है। तो ये 70% एक कॉशियस सिग्नल है कि यहाँ से करेक्शन भी आ सकता है। तो ऊपर जाते वक्त 12,636 के पास 600 पकड़ लेते ऑलमोस्ट, वहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, और इसके नीचे 12,200-300 पकड़ लेते इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर से ये करेक्शन और गहराता हुआ हमें नज़र आ सकता है। ये वीकली चार्ट का सिनेरियो है लॉन्ग टाइम फ्रेम का। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में कंटिन्यूस 5 सेशन हमने ये ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर कई सारे गैप क्रिएट हुए। ये एक यहाँ पर है, फिर दूसरी यहाँ एक छोटी गैप है, और यहाँ पर कल जबरदस्त गैप अप ओपन हुआ। तो यहाँ से निफ्टी इंडेक्स अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये जो गैप्स के लेवल्स हैं
यानी इसका ये इनिशियल प्राइस लेवल, इसका ये, तो इनके बीच में यहाँ पर ये फील हो सकता है और उसके पहले इन लेवल्स के आसपास ये सपोर्ट टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जैसे इन लेवल्स को ब्रेक करे डे के लो को, तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो ये निफ्टी इंडेक्स का इस समय का व्यू है, डेली और वीकली चार्ट का। डेली चार्ट पर भी देख सकते हैं आप, ये 70 और 100 का ये जो ओवरबॉट जोन माना जाता है, इसके बीच में ये पहुंच चुका है। जैसे कि हमने वीकली चार्ट में देखा, ये 70 के लेवल ओवरबॉट जोन के पास ये पहुंच रहा है, और डेली चार्ट में इसने ओवरबॉट जोन में जस्ट एंट्री किया हुआ है। तो यहाँ से कोई भी अपसाइड मूव आता है तो रेजिस्टेंस लेवल के पास से करेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो लॉन्ग पोजीशन बनाते वक्त कॉशियस रहना काफ़ी ज़रूरी है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को क्विकली आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स हो सकता है आज भी फिर से गैप अप ओपन हो। गैप अप ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, फिर से एक बार जब ये लेवल्स को ब्रेक करेगा तब एंट्री लेना सही साबित हो सकता है। अभी फिलहाल अगर 12,500 के ऊपर ये निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,518 और सेकेंड टारगेट होगा 12,537। अभी निफ्टी इंडेक्स जो है वो अनचार्टेड टेरिटरी में, यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स पहले कभी भी इस एरिया इस लेवल के अंदर नहीं था। तो यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ क्या टारगेट्स, क्या लेवल्स हो सकते हैं रेजिस्टेंस के, ये सिर्फ फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू हम निकाल सकते हैं, या फिर कोई पैटर्न बनता है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ऊपर के लेवल्स, यहाँ पर आइडेंटिफाई प्रोबेबिलिटीज क्या है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और टूवर्ड्स अगर साउथ की तरफ चला जाता है, तो अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक किया, यानी 12,383 के पास। तो इस लेवल को अगर ब्रेक करता है टूवर्ड्स साउथ की तरफ, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,366, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,346, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।